SRF आपकी स्क्रीन पर देखें, फ्लाई हाई और निफ्टी ने इस बीच याद रखेगा 17310, ये मेरा अगर आप देखें वो जोन था जिसको मैंने मेंशन भी किया था, 17310 के बाद एक आपको स्ट्रॉन्ग स्विंग मिल सकता है मॉर्निंग अप्रोच की तरफ, याद रखिएगा 351 पहला अटेम्प्ट करेंगे 351। अच्छा आशीष जानते हैं उसको, अगर आप देखें ICICI बैंक एट डे हाई, HDFC एट डे हाई, SRF एट डे हाई, कोटक महिंद्रा बैंक एट डे हाई, तो उस कहीं ना कहीं पुश को स्पॉन्सर करने के लिए टूवर्ड्स 351 एक बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग जो कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है वो आपकी स्क्रीन पर है। मानस जी जरा एक बार HDFC को देखिएगा, अमूमन क्लोजर टू एक्सपायरी इसके ऑप्शंस में पैसा बन जाता है 2315 और ये अभी अभी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है HDFC में? देखिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर विरेन जी ट्रेड होने लगे, 2325 रुपए के ऊपर ट्रेड होने लगे तब बिल्कुल आप HDFC लिमिटेड में एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे, क्योंकि उसके बाद जो मूव मिलेगा वो करीब 2425 तक होगा और उस मूव को खेलने के लिए बेहतर तो ये रहेगा कि आप अप्रैल के कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए जो 2320 रुपए का है, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके भाव जो है वो 85 रुपीज के आसपास के चल रहे हैं, तो अगर ये 2325 के ऊपर ट्रेड करे तो 2320 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करिए, खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस रखिए 64 रुपीज का, ऊपर की तरफ 140 से लेकर 150 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट मंथ में आपको। आपकी स्क्रीन पर आप देखें MNM अच्छा करता, आपकी जगह HDFC अच्छा करता हुआ DII की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखें भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर अब 747 तो एक और स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी की तरफ भारतीय एयरटेल बढ़ता हुआ। आशीष,